तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अरवन जी के स्टडी में। इस वीडियो में हम जानेंगे सामान्य ज्ञान से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होंगे। यदि किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, सारे प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यदि हमारे चैनल पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका सबसे पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1 कि नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नागा अर्जुन सागर परियोजना आपको किस नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला कृष्ण नदी पे, फ्रेंड्स याद रखेंगे कृष्ण नदी पर आपको नागा अर्जुन सागर परियोजना आपको स्थित है। नेक्स्ट हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी वाला इसका राइट आंसर होगा, वर्धमान आपको महावीर स्वामी के बचपन का नाम था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 3, जिमी कार्टर किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिमी कार्टर आपको किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। तो ऑप्शन नंबर ए वाला अमरीका देश के पूर्व राष्ट्रपति थे आपको जिमी कार्टर। नेक्स्ट और बढ़ेंगे, नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 4, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपको, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली जो है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, निर्माण करने वाली नदी कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला फ्रेंड्स याद रखेंगे, ब्रह्मपुत्र जो है वो निर्माण करने वाली नदी है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 5, भारत में सबसे अधिक उर्वरकों की खपत कहाँ पर होती है। भारत में सबसे अधिक उर्वरकों की जो खपत होती है आपको कहाँ पर होती है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला पंजाब में भारत में सबसे अधिक उर्वरकों की खपत होती है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 6, भारत के कौन से राज्य में एक समान नागरिक संहिता लागू है। भारत के कौन से राज्य में एक समान आपको नागरिक संहिता लागू है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस प्रश्न को याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी वाला इसका राइट आंसर होगा आपको, गोवा में जो भारत का एकमात्र राज्य जिसमें एक समान नागरिक संहिता आपको लागू है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 7, प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी। जो प्रथम लोक सेवा आयोग की आपको स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी में। फ्रेंड्स याद रखेंगे प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना आपको 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी में स्थापना की गई थी। नेक्स्ट और बढ़ेंगे, नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 8, ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2019 पुरुष एकल विजेता कौन रहे थे। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए वाला नोवाक जोकोविच आपको ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2019 पुरुष एकल के विजेता हैं नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 9, इतिहास का सबसे महान दार्शनिक कौन है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इतिहास का सबसे महान दार्शनिक है आपको ऑप्शन नंबर डी वाला फ्रेंड्स अरस्तु। याद रखेंगे अरस्तु इतिहास का सबसे महान दार्शनिक है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 10, महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था। तो ऑप्शन नंबर ए वाला सिद्धार्थ। फ्रेंड्स याद रखेंगे ऐसे प्रश्न इंपोर्टेंट है, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम आपको सिद्धार्थ था। नेक्स्ट और बढ़ेंगे, नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 12, विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी वाला एंजिल जलप्रपात आपको विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। याद रखेंगे विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात आपको एंजिल जलप्रपात है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 13, भारत में अंग्रेजों की फ्रांसीसियों पर सफलता में निर्णायक कारण क्या था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, भारत में अंग्रेजों की फ्रांसीसियों पर जो सफलता का निर्णायक कारण था आपको ऑप्शन नंबर ए वाला इसका राइट आंसर होगा, शक्तिशाली अंग्रेजी नौसेना थी जो अंग्रेजों की फ्रांसीसियों पर सफलता का निर्णायक कारण था। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 14, धन निष्कासन का सिद्धांत देने वाले भारतीय नेता हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, धन निष्कासन के का सिद्धांत देने वाले आपको भारतीय नेता कौन थे। तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका राइट आंसर होगा, दादा भाई नौरोजी धन निष्कासन का सिद्धांत देने वाले वो भारतीय नेता हैं। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 15, चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है। मोस्ट इंपोर्टेंट, चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है आपको
कौन सा है इसका राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए वाला। फ्रेंड्स याद रखेंगे भारत चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। यदि हमारे चैनल पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट ईयर बढ़ेंगे, नेक्स्ट हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 16, तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होता है। तरंग दैर्ध्य का मात्रक है आपको ऑप्शन नंबर बी वाला, इसका राइट आंसर होगा मीटर, आपको तरंग दैर्ध्य का मात्रक होता है। नेक्स्ट ईयर बढ़ेंगे, नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 17, भारत का वो शहर जो जीरो डीजल संकट की समस्या से जूझ रहा है वो कौन सा शहर है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में आने वाले हैं। भारत का वो शहर जो जीरो डीजल संकट की समस्या से जूझ रहा है ऑप्शन नंबर डी वाला, इसका राइट आंसर होगा बेंगलुरु। फ्रेंड्स याद रखेंगे बेंगलुरु आपको भारत का वो शहर है जो जीरो डीजल संकट की समस्या से जूझ रहा है, याद रखेंगे इस प्रश्न को। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 18, महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का जो जन्म स्थान है वो कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा लुम्बिनी वन। याद रखेंगे महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान आपको लुम्बिनी वन है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 19, गोवा के प्रथम मुख्यमंत्री जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हो गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, जो गोवा के प्रथम मुख्यमंत्री थे जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हो गया था वो कौन थे, तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका राइट आंसर होगा दयानंद बंदोदकर आपको जो थे गोवा के प्रथम मुख्यमंत्री थे जिनका कार्यकाल के दौरान आपको निधन हो गया था। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी आपको जो बंगाल की शोक कहलाती है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला फ्रेंड्स याद रखेंगे दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। किस नदी को, तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक नदी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 21, किस खेल में बुल्स आई शब्द का प्रयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस शब्द में खेल में बुल्स आई शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला शूटिंग खेल में आपको बुल्स आई शब्द का प्रयोग करा जाता है, तो शूटिंग खेल में। नेक्स्ट ईयर बढ़ेंगे, नेक्स्ट हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 22, सौर्यमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। सौर्यमंडल का जन्मदाता आपको किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला सूर्य को। फ्रेंड्स याद रखेंगे सूर्य को सौर्यमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, सूर्य को सौर्यमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। यदि हमारे चैनल पे पहली बार हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि किसी वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो नेक्स्ट ईयर बढ़ेंगे, नेक्स्ट हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 23, सूर्य के पास कौन सा ग्रह है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सूर्य के पास आपको कौन सा ग्रह है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला बुध आपको सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो बुध याद रखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सूर्य के पास कौन सा ग्रह है, तो बुध ग्रह है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 24, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस ग्रह को आपको नीला ग्रह कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। याद रखेंगे इस प्रश्न को, वेरी इंपॉर्टेंट है, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है, तो पृथ्वी ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 25, पृथ्वी के उपग्रहों की कुल संख्या कितनी है। पृथ्वी के उपग्रहों की आपको कुल संख्या कितनी है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला फ्रेंड्स याद रखेंगे एक आपको पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या है। तो सारे प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट है एग्जाम से रिलेटेड, तो हम ऐसा है वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे। यदि हमारे चैनल पहली बार हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि किसी भी वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।